नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल की गई अपवित्र सामग्री पर नाराजगी जताई है। तिरुपति लड्डू में चर्बी विवाद पर पवन कल्याण ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस मामले को बहुत परेशान करने वाला बताया है। एनडीए ब्लॉक के प्रमुख नेता कल्याण ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। एक्स पर लिखी गई पोस्ट में पवन कल्याण ने लिखा, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशु मेद मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। तत्कालीन सरकार द्वारा गठित TTD बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ये समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चिंतनीय प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्रों के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। पवन कल्याण ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि YS जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली YSRCP सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध तिरुमाला लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में जानवर की चर्बी मिलाई थी। YSRCP ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि नायडू राजनीतिक कारणों से बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स TV।